शुरुआत वहीं से करना चाहेंगे। अभी तक में हमने देखा है कि 6 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमने सो फार लॉन्च किए हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में, और खरीफ सीजन भी जो अभी यहाँ पर है, आज ही हम देख रहे हैं कि जो MSP के लिए चर्चा भी होने वाली है, CCA की बैठक है, 2 बजे अभी चर्चा होने वाली है उसमें। तो कैसे देख रहे हैं ये जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसको, और क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी ये जो नई खरीफ सीजन है, क्योंकि मार्जिन्स पे पर्टिकुलरली फोकस है सारे प्रोडक्ट्स पे सर। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जो प्राइसेस हैं वो रिड्यूसिंग ट्रेंड है। चाइना से रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स होते हैं और चाइना में इस समय प्रोडक्शन ज्यादा है, डिमांड कम है, सेंटीमेंट्स जो है लो है, उसके कारण से प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। और हम भी जो प्राइस रिडक्शन है वो अपने विक्रेता बंधुओं के माध्यम से किसानों तक उसको पहुंचा रहे हैं, तो किसान को जो दवाई है वो अब सस्ते दामों पे मिल उपलब्ध है। और मैं समझता हूँ कि इसके कारण से वो उसका ज्यादा उपयोग कर पाएगा आने वाले खरीफ सीजन के अंदर भी। जो धनुका ने नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें 2 हर्बिसाइड्स हैं जो कि मिजोट्रेक्स और नेमाटेक्स, ये 2 नए हर्बिसाइड इंट्रोड्यूस किए हैं। और इसके अतिरिक्त सॉरी इम्प्लोड एंड मेजाटोक्स, ये 2 हर्बिसाइड इंट्रोड्यूस किए हैं। और निमाटोक्स जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। अभी 4 बायोलॉजिक प्रोडक्ट धनुका ने इंट्रोड्यूस किए हैं और आने वाले समय में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। ग्लोबली ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है और ये बायोलॉजिक्स जो हैं ये रेसिस्टेंस ब्रेक करने में भी सहायता करते हैं। और इंडिया में भी डिस्पोजेबल इनकम अर्बन सिटीज के अंदर में बढ़ रही है, तो वहां भी ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाले समय में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की मार्केट शेयर बढ़ेगा। आज भी जो CAGR है वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की रेगुलर पेस्टिसाइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। रेगुलर पेस्टिसाइड्स 8 से 9% की CAGR पे चल रहे हैं जबकि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में 15% की CAGR हो रही है। डेफिनेटली सर। अच्छा, ये इस बार एल नीनो को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, बारिश भी थोड़ी सी पीछे हुई अगर 1 जून के हिसाब से हम देखें तो, इसके बारे में थोड़ा सा इंसाइट दे पाएंगे सर आप? अभी तक में आपके क्या फाइंडिंग्स रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए आज भी भारत में सिर्फ 40% सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है। 60% अभी बिल्कुल भी हम लोग रेन के ऊपर में डिपेंडेंट हैं, तो अगर बारिश अच्छी होती है तो ओवरऑल खेती अच्छी होती है और खेती से जुड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती हैं। बारिश का काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस है खेती के लिए। और अगर एलनीनो की बातचीत हो रही है लेकिन IMD ने फोरकास्ट किया है कि 96% रेनफॉल होगी विच इज ए नॉर्मल रेनफॉल। हालांकि डेफिनेटली 7 दिन लेट हो गया है मानसून केरला को हिट करने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले समय के अंदर में 7 दिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता है खेती के अंदर में। अगर अभी 8 तारीख को जो है केरला को हिट कर जाता है मानसून और उसके बाद अगर रेगुलर सब जगह बारिश आती है तो खेती के ऊपर में कोई ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है सर। इसके अलावा जो दहेज प्लांट है हमारा जुलाई से ऑपरेशनल होने जा रहा है ऐसा हमें कहना चाहिए, तो किस प्रकार के इनिशियल रेवेन्यू पोटेंशियल्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशंस के लेवल हमें यहाँ पर एक्सपेक्ट करने चाहिए, और कब तक में हम ब्रेक इवन में यहाँ पर पहुँच पाएंगे ये दहेज प्लांट के लिए? देखिए इसको दहेज प्लांट को एज ए स्टार्टअप लेना होगा क्योंकि इनिशियली जो है ओके इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो जाती है और वॉल्यूम्स जो है वो आने में समय लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ब्रेक इवन आने में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन जुलाई के अंदर में हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे और इनिशियली सिंथेटिक पाइरेथ्राइड्स का प्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारी जापान के साथ में कोई प्रोडक्ट शेयर करने की है और जापानीज कंपनी से बातचीत चल रही है,
एक जैसे ही कुछ फाइनल होता है हम मार्केट में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है सर, ये मुद्दे पर हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब डोमेस्टिक मार्केट की और जो अभी सिचुएशन है डिमांड सिनेरियो के हिसाब से, वो स्टॉक कैसा है अभी फ़िलहाल, जो डिमांड है उसको देखते हुए हम कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे आने वाले वक्त में, ये जो डिमांड आएगी उसको मीट करने के लिए, इसके बारे में बताइए सर। हाँ, इन्वेंट्री लेवल ज्यादा है, उसी कारण से डिमांड जी कम है मार्केट के अंदर में। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बार सीजन अगर स्टार्ट हो जाएगा बारिश आने के बाद में, तो डेफिनेटली जो इन्वेंट्री है वो लिक्विडेट हो जाएगी, क्योंकि आज किसान के पास में कोई रास्ता नहीं है अपनी फसलों को कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए। जो गवर्नमेंट का डाटा है वो भी कहता है कि लगभग 30% फसलें बर्बाद हो जाती है कीड़े और बीमारियों के कारण से, और अगर हम उसको आधा भी सेव कर पाते हैं दवाइयों का यूज करने से, तो वो काफी इकोनॉमी में और जीडीपी के अंदर में ग्रोथ में सहायक सिद्ध होगा। तो मैं मानता हूं कि एक बार बारिश आने के बाद सीजन स्टार्ट होगा और ये इन्वेंट्री लिक्विडेट होने के बाद में डिमांड काफी पिकअप हो जाएगी।